दुनिया भर में यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द टीकाकरण के बाद कोरोना वायरस कमज़ोर पड़ेगा और जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटेगी। हालांकि ऐसा निकट भविष्य में मुश्किल लग रहा है। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से कई देशों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका इसका ताज़ा उदाहरण है, जहां शनिवार को कोरोना के 26,000 नए मामले दर्ज किए गए। देश में अब तक एक दिन के अंदर इतने ज़्यादा नए केस दर्ज नहीं किए गए थे। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी ने दक्षिण अफ्रीका की स्वास्थ्य व्यवस्था को खस्ता हाल में पहुंचा दिया है। अस्पतालों में बिस्तर के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी हो गई है, जिसके बाद मजबूर होकर सरकार को आंशिक लॉकडाउन लगाना पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक देश में कोरोना से कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 2,00,000 को पार कर गया है, तो वहीं 61,500 लोग अभी तक इससे जान गंवा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक 33,00,000 लोगों को कोरोना रोधी टीका दिया गया है, जो कि कुल आबादी का 5% हिस्सा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक देश में कुल 17,00,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण के मामले बढ़ने के पीछे टीकाकरण की धीमी गति को बड़ी वजह माना जा रहा है। इसी साल सरकार को दूषित हो चुकी जॉनसन एंड जॉनसन की 20,00,000 कोरोना वैक्सीन नष्ट करनी पड़ी थी। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के पीछे डेल्टा वेरियंट को वजह माना जा रहा है। देश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इस बार संक्रमण दूसरी लहर से भी ज़्यादा फैल सकता है।